यही सोचती हूँ कि ये ऐप आज के ज़माने में आ गया है जब इस तरीके के क्राइम का इंतहा हो गया, जी बहुत कॉमन प्लेस हो गया और हम लोग भी थोड़े सेंसिटाइज हो गए हैं कि अच्छा हुआ था, किसी को हुआ था, पर जिसको हुआ है उसके लिए तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी है। और मीडिया का मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है जो उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ प्ले करना, कि वो अच्छाई को अच्छा बताते हैं, बुराई को बुरा बताते हैं, ना कि सेंसेशनलाइज करते हैं। एक ज़माना था जब येलो जर्नलिज्म जिसको कहते हैं वो लोग इन चीज़ों को नाटकीय रूपांतरित करके बड़ा ही ड्रामा बना देते थे, कि गलत लोग, गलत मानसिकता के लोग का दिमाग फिर उसमें से एक्साइट हो जाता था। जी अब देख रही हूँ कि बहुत चेंजेस आ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स इतने इम्पोर्टेंस देने लगे हैं अब इस मसले को, और फ़ोन का यूटिलिटी सिवाय बिसाइड्स कि हम पिक्चर देख रहे हो, गंदी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, उसके अलावा कितना चीज़ है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने ड्राइवर का फ़ोटो खींच लिया, गाड़ी का फ़ोटो खींच लिया, आपने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया कि मैं इस गाड़ी में इस वक्त और यहाँ से यहाँ जा रही, सॉरी। तो वो तो एक लेवल पर हुआ, उससे कहीं ऊपर ये ऐप आ गया। इससे है कि आपने एक बटन दबाया और आप सेफ हो गए, क्योंकि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, आपके नज़दीक के पुलिस वालों को खबर पहुँच गई है, और आपको पुलिस स्टेशन जाके किसी के खिलाफ कंप्लेंट डालना नहीं, अपना फ़ोटो छपवाना नहीं है, पुलिस आपके पास आ रही है और आपकी कंप्लेंट को वो इम्पोर्टेंस दे रही है। ये बहुत ज़रूरी, इस ऐप का ये बहुत मेजर एडवांटेज है कि बगैर अपने आप को डिक्लेयर किए हुए, अपना नाम पता बताए हुए दुनिया को मैंने अपना कंप्लेंट दर्ज कर दिया। जी ये बड़ी अच्छी चीज़। जी मैम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज यू नो प्रियंका इतनी बड़ी सुपरस्टार हो गई, जब वो कॉलेज डे में थे, स्कूल में कभी इस तरह की कंप्लेंट मिली कि आज प्रियंका आके बोली यार बहुत? प्रियंका को मैंने बचपने से यही सब चारों पांचों चीज़ें सिखाई थी कि अच्छा क्या, बुरा क्या, किसके साथ आप बात करें, किससे आप नहीं बात करें। तो एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखी वो, और हम भी बहुत एहतियात रखते थे, अकेले उनको नहीं जाने देते थे कहीं। तो ये सब उस समय क्योंकि ऐसे ऐप नहीं थे अवेलेबल, तो हम खुद प्रोटेक्ट करते थे उनके, हमारे साथ उनके साथ कोई ना कोई हमेशा ही होता था। जी आज दीपावली आ रही है लेकिन प्रियंका बहुत ज़्यादा बिजी है, यू नो, तो किस तरह की कुछ प्लानिंग है या फिर? हाँ प्रियंका तो नहीं आ पाएगी, पर शायद मैं ही जाऊँ उनके पास। जी